welcome on the behalf of the team of the Banaras University, which comprises the team project of the Ministry of Ayush for the COVID and the telemedicine center, regional resource center of the Eastern region, and Ayurveda network of the Institute of Medical Sciences, Banaras University. Now, the topic of the discussion in this webinar is how we can counter the COVID-19 with the taking privilege of Ayurvedic wisdom. And of course, the conformity and the probability. Here I mean to, if we have to do the researches, then they must be in accordance of the laws of the country. That is the conformity. And the probability, how we can achieve the goal to serve the humanity, to keep the corona infections of the coronavirus, taking Ayurveda, modern medicine, adjunct therapy alone, etc. Friends, this coronavirus is certainly have a lot of features, and all features are under controversy. Right from its origin, from the Wuhan, China, there was controversy. The WHO guidelines, there are controversy. The lockdown system, there are the controversy. I mean to say, there is nothing concrete about the features of the coronavirus as well as the treatment of the COVID-19. Once again, we welcome you and not taking much time. मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का. उनका परिचय मैं क्या करूँ, उनका परिचय कराना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है. अगर मैं कहूँ कि वो इस समय आयुर्वेद योग के विश्व में पर्याय बन चुके हैं तो अतिशोक्ति नहीं होगी. फिर भी एक परिचय कराना होता है तो जनरल सेक्रेटरी आप है, महासचिव पतंजलि योगपीठ के, देवी योग मंदिर के आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, पतंजलि आयुर्वेद के साथ में आपके पास शैक्षणिक जगत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कुलपति, आप पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं. आचार्य जी और उनका योगदान आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में और योग के प्रचार प्रसार में स्वराक्षरों में अंकित है. इन्हीं परिचय के साथ मैं आचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो पतंजलि से संबंधित जो भी अनुभव है उनके इस महामारी को रोकने का, उस पर हम सभी लोगों का, सभी दर्शकों का जो विश्व भर से आपसे जुड़े हुए हैं मार्गदर्शन करें. आचार्य बालकृष्ण जी. सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत ही हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ. आप सबको मेरा सादर प्रणाम है. क्योंकि आज की इस कार्यक्रम में, वेबिनार में जो उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर आनंद चौधरी जी, उनके साथ में जितने भी आदरणीय प्रोफेसर एस के सिंह साहब और आदरणीय प्रोफेसर जयदेवन साहब और आदरणीय प्रोफेसर एस के धीमान जी, आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर वी के शुक्ला जी और इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रोफेसर जय चक्रवर्ती जी और जितने भी आप सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं को मेरा बहुत ही प्रणाम है. क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का जो समय है वह बहुत ही कारुणिक और कहीं ना कहीं से हम देखें तो बड़ी पीड़ित स्थिति है और सब मानवता के लिए, न केवल अपने देश के लिए अभी तो पूरे विश्व के लिए एक विश्व महामारी से कहीं हम सामना कर रहे हैं, उसके बीच में हम लोग आज बैठे हुए हैं. हम सब कहीं ना कहीं से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है. आयुर्वेद की ऋषियों ने आज से सहस्र वर्ष पूर्व जिन विधाओं का, जिन परंपराओं का उपदेश दिया हम सब के लिए, उन आयुर्वेद की विधाओं के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए जो संभावित उपाय ऋषियों ने बताए, उन उपायों को लेकर के हमें आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उस मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स के हिसाब से हम सबको बहुत ही काम करने की आवश्यकता है. तो
तो प्राचीन ज्ञान को, ऋषियों की उस विधा को, ऋषियों की उस परंपरा को यदि हम आधुनिक विज्ञान सम्मत स्थापित कर पाए तो इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं हो सकती है। क्योंकि आज आवश्यकता है दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने की। उसी क्षेत्र में पतंजलि भी एक विनम्र प्रयास कर रहा है। ये सब आप लोगों की शुभकामनाओं से, आप लोगों के प्यार और सहयोग है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जो यहाँ पर बैठ कर के अनुसंधान कर रहे हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। तो इस कार्य के लिए जितने भी इस विधा से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध और जो प्रतिष्ठित महानुभाव हैं, उन सब की शुभकामनाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि सबसे पहले कि जब हमको लगा कि हमें अनुसंधान करना है, अनुसंधान करना है, तो हमको किस तरह से अनुसंधान करना है, ये एक बड़ी समस्या थी। किन औषधियों के ऊपर हमको काम करना है, किन जड़ी बूटियों के ऊपर हम काम शुरू करें, जिससे कि हम कोरोना के ऊपर कहीं ना किसी तरह से हमको परिणाम मिले। तो हमको याद है कि हम फरवरी में, हम लोगों ने दिसंबर में जब हमको पता चला कोरोना के विषय में, उसी टाइम पर हम लोगों ने लगभग, मुझे याद है कि ये हम लोगों ने फरवरी में ये काम शुरू कर दिया था कि किस तरह से जो जड़ी बूटियां हैं, जो विशेष कर करके अलग अलग तरह के वायरस डिजीज में, बैक्टीरियल डिजीज में काम करती, उन जड़ी बूटियों को हम लोगों ने लगभग 100 जड़ी बूटियों को लिस्ट बनाई आयुर्वेद की, जो शास्त्र परंपरा के हिसाब से उन चीज़ों के लिए लाभकारी हो सकती थी। उसके बाद में हम लोगों ने इमीडिएट उसके बाद में इन सिलिको स्टडी शुरू कर दिया, इन सिलिको का वर्क करना शुरू कर दिया। करते 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 हमको दिखाई दिया कि उसके अंदर जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो कोरोना को शरीर में प्रवेश से रोक सकता है, ऐसा हम लोगों ने जो सिमुलेशन के द्वारा हमको पता चला कि जो बिथेनॉन है वो वायरस को शरीर में प्रवेश करने से, जो ह्यूमन सेल में जाने से उसको रोकता है। तो पहली बार एक तरह से साइंटिफिक एविडेंस के रूप में हम लोगों ने नेचर स्प्रिंगर के वायरोलॉजी जनरल के अंदर वो डेटा पब्लिश होने के लिए भी हमने भेज दिया, और अभी तक वो पब्लिश में है, प्रिंट में है, फिर भी हजारों लोग उसको देख चुके हैं। इस तरह से आयुर्वेद के क्षेत्र में जड़ी बूटी के माध्यम से हम कोरोना वायरस के लिए कुछ कर सकते हैं, ये आयुर्वेद के लिए पतंजलि का एक विनम्र प्रयास था, एक विनम्र उदाहरण था। उसके बाद में हम लोगों ने गिलोय के ऊपर काम किया, तुलसी के ऊपर काम किया, हमने इसी तरह के रिजल्ट्स कुछ उसके अंदर देखा सिमुलेशन के द्वारा, हमको पता चला कि वो अभी इफेक्टिव हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने, हमारे साइंटिस्टों ने मिल करके कुछ, हम लोगों ने इन विट्रो स्टडी भी शुरू करी। इन विट्रो में बहुत कठिन था कि वायरस आइडेंटिफाई हो करके उसके लिए, उसके वायरोलॉजी के हिसाब से जो भी सेल लाइन वगैरह है, हमने बाहर से जर्मनी से वो सेल लाइन मंगा करके यहाँ पर इन विट्रो जो है स्टडी हमने किया। इतना करने के बाद में हमको कॉन्फिडेंस हुआ कि ये सारे कंपाउंड जो है वह कोरोना से लड़ने में, कोरोना को शरीर में प्रवेश होने से रोकने में, या आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्टिंग के लिए, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये पहले से ही काम होते थे। ये द्रव्य बहुत ही कारगर हैं। जब हमको ये महसूस हुआ, ये होने के बाद में हमने लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में भारत सरकार को भी और पूरे जितने भी भारत सरकार की जो विभाग थे, सब जगह पर हमने उस पेपर्स को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में सबको भेजा, और हमने निवेदन किया कि हम लोगों ने जो सिमुलेशन किया है उसके अंदर हमको इस तरह के परिणाम मिले, इसके ऊपर हम सबको काम करना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगा आयुष मंत्रालय का कि तत्काल उसके बाद में आयुष मंत्रालय के द्वारा जो कोरोना के लिए जो काढ़ा वगैरह उपकारी चीज़ें हो सकती हैं, उन द्रव्यों को लेकर के पूरे देश के अंदर एक जागरूकता फैलाई गई, और उस काढ़े को पी करके बहुत सारे लोग निरोग भी हुए, लोगों को रोग से बचने में भी बहुत मदद हुई। उसके बाद में फिर हमारे पास, क्योंकि हमने पहले से लगभग आज से 20 वर्ष पहले एक औषधि बनाई थी जिसका नाम हमने श्वासारी रस रखा था, उस श्वासारी रस के अंदर में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर काकड़ा सिंगी से लेकर के, रुदंती फल से लेकर के, मुलठी से लेकर के, लौंग से लेकर के, और उसके अंदर त्रिकटु के जो द्रव्य हैं साथ में कुछ मिनरल्स हैं, मुक्ताशुक्ति, कपर्दक और प्रवाल और गोदंती, और ये सारे द्रव्य उसके अंदर थे, उनको हमने पाया था कि श्वास रोगों में बहुत ही कारगर है। तो कारगर के बाद में हम लोगों ने वो लगातार अभी तक लाखों लाखों रोगियों पर हम प्रयोग कर चुके थे, और हम लोगों ने उसका इन विट्रो और इन विवो ट्रायल भी हम कर चुके थे। कहती हूँ मुझे खुशी है कि वो जो शोध है हमारा, वो बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी जनरल के अंदर वो पब्लिश हो चुका था।
तो उन्हीं दिनों में फरवरी में ही वो पब्लिश हुआ। पब्लिश होने के बाद में हमको एक हथियार और हाथ लग गया। मैंने कहा जितना भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इमीडिएट काम करने के लिए श्वासारी रस का हमारे पास ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड डेटा अवेलेबल था, और इधर से इम्यूनिटी के लिए हमारे पास अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, ये कारगर औषधियाँ हमारे हाथ में थी। तो इन दोनों को मिला करके हमने काम करना शुरू किया और हमने पूरे देश के अंदर कि श्वसन रोगों को तुरंत कंट्रोल करने के लिए, श्वसन तंत्र को ठीक करने के लिए श्वासारी रस हम ले लें और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी ले लें, उसके साथ में च्यवनप्राश आदि जो भी लेना चाहे, जो भी काढ़ा पीना चाहे आप पी सकते हैं। इस तरह से हमने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद में हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, या मैं कहूँ कि कहीं पर भी हमने प्रयास किया कि हमको कुछ कोरोना के रोगी मिले तो हम लोग उसके ऊपर क्लिनिकल एक तरह से केस स्टडी करें, तो वो हमको काफ़ी कठिनाई रही। आयुर्वेद के ढंग से कई तरह से हमको सहयोग नहीं मिल पाया। बाद में हमारे पास सूचना आने लगी कि हमारे जानने वाले, मिलने वाले, परिचय के, संबंध के, अलग अलग स्टेट में लोग कोरोना पॉजिटिव हमको मिलने लगे। तो हमने इन औषधियों के लिए सबको कहा कि आप इन औषधियों का सेवन करिए, सेवन करते हो आप योगासन, प्राणायाम करिए, पथ्य का पालन करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो लोगों ने ये सब शुरू किया और चमत्कारिक रूप से परिणाम आने शुरू हुए। आने के बाद फिर हमको कुछ पेशेंट्स ऐसे मिले जो क्वारंटाइन में थे, कुछ उसमें से नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे। क्वारंटाइन पेशेंट्स को हम लोगों ने देना शुरू किया, वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। फिर उसके बाद में कुछ बहुत सारे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन पेशेंट्स को हम लोगों ने देना शुरू किया। हॉस्पिटल में यदि मैं बात करूँ, आनंद हॉस्पिटल मेरठ की, युग हॉस्पिटल मेरठ की, फिर सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद की, इस सिविल हॉस्पिटल में यहाँ हरिद्वार में भी हमने औषधियों को दिया। तो हजारों हजारों रोगियों पर परीक्षण किया और हमने पाया कि इसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी हमारी तैयार हो गई। क्लिनिकल केस स्टडी होने के बाद में उस स्टडी को हम लोगों ने अभी पब्लिकेशन के लिए वायरोलॉजी के अंदर भेज भी दिया है, भगवान ने चाहा तो वह भी अभी अंडर उसमें प्रकाशन अधीन है, वो प्रकाशित हो जाएगा। फिर हम चाहते थे कि इसका क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी होनी चाहिए। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए हम प्रयास करते रहे, तो नीम्स यूनिवर्सिटी के साथ में, लगभग मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, ये फरवरी मार्च में हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में लगभग अप्रैल के अंत में लगभग शायद CTRI से एग्जैक्ट डेट मेरे पास अभी मेरे को याद स्मरण नहीं है, तो हमको अप्रूवल आया CTRI से। अप्रूवल आने के बाद में गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन और गाइडलाइन के हिसाब से हमने जो भी वहाँ पर उनके यहाँ पेशेंट थे उन पेशेंट को यही गिलोय घन, तुलसी घन और अश्वगंधा घन बटी, उसके साथ में श्वासारी, जैसे मैंने घटक बताया आपको, श्वासार के अंदर काकड़ा, सिंगी, मुलेडी, पिपली और मतलब पिपली सौंठ और ये सारे जो द्रव्य हैं, दालचीनी वगैरह, इन सब के द्रव्यों को मिला करके उनको देना शुरू किया। देते समय जो स्टार्टिंग के जो रिजल्ट्स रहे वो इतने अद्भुत थे, जो हमको एक तरह से कही कि जो हमारा विश्वास था वो विश्वास बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा। और उसके लिए जितने भी उनके जो पैरामीटर्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, जितने भी उनके जांच के लिए जितने भी चीज़ें होनी चाहिए वो सारा उन्होंने विधिवत किया, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए इसको किया। और आप सबको पता है कि 3 दिन पहले हम लोगों ने ये पूरे देश और दुनिया के सामने ये घोषणा करी कि आयुर्वेदिक औषधियों से इस तरह से कोरोना के ऊपर सफलता पाई जा सकती है। कई लोग कहते हैं कि ये सिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे, ये माइल्ड थोड़े थे, इतने क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना के रोगी के ऊपर हम लोगों ने वायरोलॉजी, जो वायरस लोड वगैरह को भी देखा, यदि वो 40% रिकवरी फास्ट हो सकती है आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा, तो यही अपने आप दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी देन है। ये मैं समझता हूँ कि हमें जितने भी आयुर्वेद के जो जितने भी हम सब सेवक हैं, हम सब के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। ये देश और दुनिया में आयुर्वेदिक विधा को लेकर के किया गया ये प्लासिबो बेस्ड जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल था, रेंडमाइज क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, ये पहला ट्रायल था और ये इस तरह के अद्भुत परिणाम मिले हैं। और मेरा निवेदन आप सबसे भी यही है कि हमने फिर ये कहा कि लोगों ने कहा कि नहीं आपने ये कहा क्यों कहा कि इससे पूरी तरह से ठीक हो जाता है, हमने कहा भाई ये पूरी तरह से लोग ठीक हुए हैं, हम तो रिजल्ट बता रहे हैं। तो ये रिजल्ट है, ये डेटा है हमारे पास, तो वो डेटा भी हम सबको अवेलेबल कराएंगे।
जी, तो हमारा जो निवेदन है वो यही है कि हम सब लोग ये आयुर्वेद की विधाओं पर एक रूपता के साथ में एक मत होकर के एकजुट होकर के हम जुट जाएं। ये पायलट स्टडी था, फर्दर और भी स्टडीज हमको करना चाहिए और भी हमको रिसर्च करना चाहिए। हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो ये कोरोना जैसी महामारी से इस देश और दुनिया को मुक्त करने में हम निश्चित रूप से समर्थ होंगे। श्रद्धेय स्वामी जी ने इसलिए कहा, आप सब जानते हैं कि गिलोय अश्वगंधा तुलसी वगैरह एक्सट्रैक्ट को यदि क्वालिटी का एक्सट्रैक्ट होता है तो इतना कितना कॉस्ट पड़ता है। हमने इस औषधि को किसी भी तरह से कॉमर्शियल एंगल से न सोच करके, रिसर्च में हम लोगों ने जो भी हमारा खर्चा हुआ उसको न सोच करके सेवा की भावना से हमने उन औषधियों का निर्माण किया। और बात आती कि लाइसेंसिंग के लिए, भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोरोनिल के अंदर लाइसेंस का जो नाम लिया है उसमें कोई वायलेशन नहीं किया। कोरोना किट जरूर था, किट तो वो आउटर कार्टन था कि उसको पैकिंग करने के लिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज इन बातों को मैं आप सबके सामने मुझे रखने का मौका मिला है। तो मेरा निवेदन है कि कोरोना के लिए जो हमने परिणाम पाया है ये औषधियाँ यही हैं कि आप श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमने प्रयोग किया वो, जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर, पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके अंदर है काकड़ा सिंगी है, उसके अंदर दालचीनी है, उसके अंदर उदंती फल है, उसके अंदर त्रिकटु के तीनों द्रव्य हैं, तो ये उसके अंदर मुलेठी है, ये सात काष्ठ औषधियाँ हैं। रस औषधियों के अंदर यदि मैं मिनरल्स की बात करूँ, रस औषधियाँ नहीं है, भस्म नहीं है, ये हमारी जो मिनरल भस्म है, कपरदक है, मुक्ता शुक्ति है, प्रवाल है, गोदंती है, स्फटिका है, टंगण है, ये इसके अंदर मिनरल्स हैं। इनके द्वारा हमने पाया है कि जो श्वास के लिए जो एलोपैथिक के कई सारी औषधियों से ज़्यादा बहुत ही काम करती है, कारगर हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, ये बहुत ही कारगर हैं। इन द्रव्यों के ऊपर हमने काम किया और काम करके परिणाम पाया। परिणाम के ऊपर हम लोगों ने क्लिनिकल केस स्टडी, प्री क्लिनिकल सारी हमने कर ली है। तो मेरा निवेदन है कि हम और भी काम करें और हमारे लायक, हम आयुर्वेद के अपने आप को एक छोटे से सेवक मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारी आयुर्वेद की जो विधा है वो बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ है। आयुर्वेद को मैं हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेद समुद्र है, तो हम उस समुद्र के किनारे पर खेलने वाले बच्चे हैं। किसी भी पैथी के लिए कोई भी एक्सपर्ट आकर के कह सकता है कि इस पैथी में जो कुछ है मैं जानता हूं, परंतु आयुर्वेद की पैथी को जानने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें आयुर्वेद का सर्वांगीण नॉलेज है। हम सबको मिलकर के यदि हम एक समवेत प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा परिणाम आएगा। और आज इस, मैं मानता हूं कि ये आज का जो हम लोगों का ये वेबिनार जो चल रहा है इसके माध्यम से, इसके लिए हम एक बड़ा निर्णय ले पाएंगे, एक लोगों के लिए बड़े तरफ प्रेरित कर पाएंगे, और जो आयुर्वेद का सही नॉलेज और सही ज्ञान है। क्योंकि मैं देख रहा था इंटरनेट पर परसों, तो बहुत सारे कोविड के नाम पर विविध तरह की गोलियां, बटियां, चूर्ण, विविध तरह की क्वाथों को, किसी ने अशोक का लॉट लगा रखा है, किसी ने आयुष मंत्रालय का मुहर का ठप्पा लगा रखा है, इस तरह की जो वायलेशंस हैं बहुत हो रहे हैं। लोगों को कई तरह से, कई तरह की भ्रम और कई तरह की इसमें भ्रांतियाँ भी फैल रही हैं। तो इन सब को रोकने का भी, कि विज्ञान के नाम पर अज्ञान न फैले, और विज्ञान के नाम पर कभी हमारे जो प्राचीन ज्ञान का भी अवहेलना न हो, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। तो वह दिन दूर नहीं है, आने वाला समय आयुर्वेद का है, आयुर्वेद का भविष्य उज्ज्वल है। प्राचीन काल में ऋषियों के ज़माने में जहाँ पर आयुर्वेद था, हम सब मिल करके एक एक झटका जोर का यदि हम धीरे से लगा दें तो वह दिन आ सकता है, ये हमें पूरा विश्वास है। देश के लिए ये एक पीड़ा की घड़ी है, क्योंकि लोग पीड़ित हैं, पर आयुर्वेद के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी इस रूप में है कि यदि हम काम करना चाहें तो यहाँ पर आयुर्वेद को सिद्ध करने के लिए, आयुर्वेद को दिखाने के लिए एक बढ़िया मौका और अवसर ये बन सकता है। आप सब ने मेरे इस निवेदन को सुना, इसके लिए मैं आप सबका वंदन करता हूँ। पुनः मैं आप सबको नमस्कार करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। धन्यवाद, आपकी बात से और गौरव की बात है। सेवा भावना के साथ जो आपने यह कार्य किया है, इसके भी हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और आचार्य जी, दसों सदियों से भी कोई शंका नहीं है, अगर किसी दवा में भस्म भी है और वह शास्त्रीय रूप से बनी हुई है तो वह रामबाण है, उससे भी किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पूरी टीम
प्रोफेसर जया चक्रवर्ती, प्रोफेसर एन के अग्रवाल और प्रोफेसर किशोर पटवर्धन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। मैं पुनः आप सब विद्वत जनों का नमन प्रणाम करता हूँ। मुझे अच्छा रहता, मैं इसको पूरा रिकॉर्डिंग को बाद में जरूर सुनूंगा। आज मेरी क्योंकि एक मीटिंग थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक तरह से मैंने ये गुस्ताखी करी। मुझे पहले ही, मैं आप लोगों को सुनता, मैं जरूर सुनूंगा। मैं आप लोगों का एक तरह से सेवक हूँ। आप कहीं भी आदेश करेंगे हम तैयार हैं। और अभी के लिए क्योंकि मुझे एक दूसरी मीटिंग के लिए जाना था, तो इसलिए मैं क्षमा पूर्वक आप सबसे विदा चाहूँगा और आप मुझे आप विदा दें। और मैं आप लोगों की जो भी आज निर्णय होगा मुझे सूचित करेंगे। मैं सदैव तैयार हूँ। बहुत बहुत आपको प्रणाम, नमन हो। आप,